अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज असां सहकी ज़बान की तारीख के बारे दूजी वीडियो गिन के तुहाडे सामने हाजिर है। इस तो पहले भी एक वीडियो साडे चैनल ते मौजूद है, ते उस वीडियो तो बाद मजीद कुछ नवीं मालूमात ते नाल ऐड करन वास्ते साडी ये सहकी ज़बान की तारीख ते दूजी वीडियो। तो नवे आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करे सन। थोड़ा सा अपने मौजूद शुरू करे रहे हैं सराइकी जबान की तारीख को समझने वास्ते सिंध वादी सिंध की तारीख को समझना पड़ोस। ये वादी जानी वादी सिंध दू दरियावान के विचाले है, एक दरिया को सिंधु ते दूजे दरिया को हाकड़ा गागरा या घागरा आखा जाता है। नाजरीन ये गल है 4 से 6 हजार साल पहले की गल है। इतों दरियावान के लोगों को संतार संथाल कोर मुंडा ते गोंड सड़िया जा रहा है। ये जातान या ये खानदान पहले इब्तदा के बीच मौजूद है। माहिरीन ने इनको आमरी तहजीब का नाम भी दिता है। ये लोग मुंडा या मुंडारी जबान बोलते हैं ते उस जबान के असरात इतने हैं कि मुरता ही कुछ उस जबान के कदीम लफ्ज संस्कृत मिलते हैं या मौजूदा जबान भी लफ्ज मिलते जिमें कि असर देखो कि लफ्ज पानी है कपाह का कीड़ा बांस तसला और कांगा या गांगा ये लफ्ज हैं। ये उसी पुरानी मुंडारी जुबान के गिणतरी के विच वो लोग वी दी इकाई इस्तेमाल करें जी अज ताई मौजूद है। जिमें जो अस अखाण के मशहूर सुनते हैं कि जो हूँ पता लग सी जो कितने वीह का सौ वी की जी गिनती इकाई उस पुराने जमाने आम तहजीब या उस तहजीब के लोगों की उस राज है उस दौरान। तो बद उन्हों तो बाद 3.5 हजार साल पहले इतने द्रावड़ कौम आई जैसा असली वतन आई हलब शाम दिमाशक बहिरे रूम के सहरी इलाके उतु द्रावण लोग द्रावण इतने आए इतने आके उन्होंने कब्जा कर दिया। तो ये द्रावण जोड़े हैं बाद ये मेहनती लोग इस इलाके को तरक्की दी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो गवेरी आला चूलिस्तान जलीलपुर जड़िया आबादियां हैं ये उस दौर के वजूद चाहिए। चूलिस्तान के बहावतपुर बहुत सारे मकाम दरियाफत है जेड़े हाकड़ा तमद्दुन या उसे हड़प्पाई तहजीब तमद्दुन के नाल ताल्लुक रखते हैं। 1500 कबल मसीह के विच एशिया के विच आर्या इस वादी सिंध के विच आए। ये द्रावड़ा नालों भी ज्यादा जहीन ताकतवर ते जंगजू लोग हैं। काफी अरसे बाद वत आर्यावां दा एक दूजा गिरोह भी वादी सिंध के विच आया। ते आर्यावां ने इलाके दे विच वाहण वाले सात दरियावां का जिक्र अपनी मजहबी किताब ऋग्वेद लिखा। ऋग्वेद सात दरियावां का जिक्र है लेकिन गंगा जमुना का जिक्र कोई नहीं किया। जितों पता लगता है कि उन्होंने ऋग्वेद इसे इलाके वादी सिंध के बह के लिखी। इन्हें दरियावां के नाम उन्होंने लिखे वो ये सिंधु सिंध को आख है, वतिस्ता जेहलम को आख है, असिकनी चनाब को, परविसनी रावी को आख है, सतुद्री जेहलम सॉरी सतलज को आख है, दीपासा ये दरिया ब्यास को आख है और सरस्वती जरा दरिया है ये जरा पहले जिक्र कर चुके हैं हाकड़ा घागड़ा या गागड़ा भी आखा गया। तो इन्होंने उन्होंने आर्यावान ने अपनी मजहबी किताब इन सात दरियावान का जिक्र किया है और गंगा जमुना का दरिया दरिया का जिक्र नहीं किया। दरिया हाकड़ा जरा है वेदा के जमाने मूनसून दरिया के तौर पर बहता है, यानी मौसमी बारिशों के दरिया के तौर पर ज्यादा बहता है। तो ज्यादातर बस्तियां जड़ियाँ इसे दरिया के दोहां किनारा से या दोहां कंधियां के आबाद हैं। इस तहजीब को यानी उस जमाने की तहजीब को हाकड़ी या सरस्वती तहजीब भी आखा जाए। ऋग्वेद सरस्वती जरा दरिया है इन तारीफ कई जाई अकीदत नाल की गई है। आर्यावान ने
इस जो इतने अपनी तहजीब का मुंड बदा तो उन्होंने जात पात के मसले को खड़ा किया। चार जात बनाई ब्राह्मण कश्त्री वेश शूद्र। छीवी सदी दे विच महात्मा बुद्ध, छीवी सदी कबल मसीह, उन्दे विच महात्मा बुद्ध बुद्ध मत दी तालीमात गिन के आया ते उस जात पात का खात्मा किया। 521 कबल मसीह दे विच ईरान दे बादशाह दारा अव्वल, ईरान दा पहला दारा जिहड़ा बादशाह है, उसने जरनैला ने इलाके को फतह किया। 200 साल तक यह इलाका यानी वादी सिंध जी ईरानिया के जेरे असर रही और फारसी जबान का इतने असर रही। 326 कबल मसीह दे विच सिकंदर आजम यूनान तो मार धार करेंदा होया इस इलाके दे विच आया ते उस इस इलाके दे विच मल्ली कौम दे नाल जंग करके ते मुल्तान ते उदेपिंद नवाब कौर वादी सिंध को फतह किया। तब उस अपने इतने अपने जरनैला नए बना के पीछे मल गया। ये इलाका काफी अरसे तक वत यूनानिया ने जेरे असर रहा ईरानिया तो बाद। 273 कबल मसीह तो 232 कबल मसीह दे विच राजा अशोक, देखो अशोका दी ग्रेट भी आखा वेंदा है अशोक आजम, उदा एहद दे विच ई इलाका वादी सिंध जेड़ा है बुद्ध मत दी तहजीब दा मरकज बना रिया। ते मजहबी किताबां जेड़ियां बुद्ध मत दीआं हैं पाली जबान दे विच, यानी इस इलाके उत्ते वक्त पाली जबान दे असरात भी रहे। ते ई वादी हाकड़ा एच दे वादी हाकड़ा दे विच बुद्ध मत दी तहजीब दा उरूज दा जेड़ा समाना है ओ अशोक दे जमाने को गिणा लवे। 500 ईस्वी दे विच सिंध ते बहावलपुर उत्ते राय खानदान की हुकूमत आई जिहड़ी 130 साल तक रही। उस बाद यानी 500 ईस्वी तो 600 ईस्वी का जरा दौर है तो हिंदुस्तान दे विच प्राकिरतां जिहड़ियां हैं वो पांच सूरतां प्राकिरतां दी, महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, अरुध मागधी और पिशाची। हिंदुस्तान दे विच ये पांच प्राकिरतां बोलियां वैंदियां हन और उन्होंने जिहड़ी पिशाची प्राकृत है वो इस इलाके दे नाल तालुक रहे। 600 से 1000 ईस्वी तक इस दौर दे विच जिहड़ा है प्राकृत तुबा जिहड़ी अगला जमान दा अगला दौर है या अगला कदम है वो को अपभ्रंश आखा वे। ता त्राए अपभ्रंशां जिहड़ियां हन उन्हां दी निशानदेही कीती प्राकृतां तों बाद अपभ्रंश है। पांच प्राकृतां नूं उन्हां च पिशाची वादी सिंध दे नाल मुतलक आई ते बाद उन्हां च त्राए जिहड़ियां अपभ्रंशां हन अपभ्रंशां दे विचों वराचडा या वराचडा अपभ्रंश जिहड़ी है वह वादी सिंध दे मुतलक है। इसे दे विचों वत दो जबानां सिंध सिंधी और सरैकी ये दो जबानां जिहड़ी है उसे वराचडा अपभ्रंश दे विचों निकली। ਤਾਂ ਰਾਇਤ ਬਾਅਦ ਵਾਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਚ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਅਤੇ ਚੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਦਾਇਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। 81 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਇਆ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਵਨ ਤੁਕਿਨ ਖਿੱਤ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਕਤ 2100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੈ। 9वीं सदी के शुरू में इस इलाके पे इस्माइलियों का एक गिरोह करामता ने कब्जा करके दा ते उन्होंने इत्थे अपनी हुकूमत कायम की। 350 साल तक करामता राजा इस्माइलियों ने हुकूमत इस इलाके पे कायम रही ते उस वेले तक सिंधी ते सरैकी जिहड़ियां वराचडा या वराचडा अपभ्रंश दे गुरू ने दो जबाना बणियां वो उस वक्त तक ही बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल अलग होना थियां जी मौजूदा सूरत हाल नहीं बल्कि जी जबान बोली वेंदी है वो सिंधी और सरैकी का मिक्सचर है। तो चूंकि काफ़ी अरसा तक यानी मुहम्मद बिन कासिम के बाद अरबा ने जो करामता है इस्माइलिया है वो भी अरब हैं तो काफ़ी अरसे तक मतलब 1175 तक उन्होंने हुकूमत रही। तो शहाबुद्दीन गौरी पहले महमूद गजनवी ने हमला किया आदि तौर पर उन्होंने हुकूमत खत्म थी लेकिन दोबारा बहाल की गई। वह शहाबुद्दीन गौरी ने 1175 ईस्वी के आ के
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ 325 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸਮਾਇਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਤ ਰਹੇ। ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਿਕਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਸਰੁਦੀਨ ਕਬਾਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਤਮਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਲਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਇਹ ਕਰਾਮਤਾ ਇਸਮੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੂਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਾਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿੰਧ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਬੂਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਆਈਨ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੈਰੂਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਤ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।